अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी पसंदीदा डिश जो कि है बर्गर। जैसे कि आप देख ही सकते हैं इसमें हमारी काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है आलू, बॉइल्ड आलू। मैंने इसको मैश करके रखा है। कोई भी ग्रेटर से आप ग्रेट कर लीजिए, ग्रेट करने से काफ़ी अच्छा हो जाता है, कोई लम्स नहीं रहते। कुछ वेजीज भी चाहिए जिसमें से मैं जो है बॉइल्ड कॉर्न है और बॉइल्ड पीस है। इसको मैंने अच्छे से बॉईल करके इसका पानी पूरी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। रेड कैप्सिकम है, येलो कैप्सिकम है और ग्रीन कैप्सिकम है, और साथ ही इसमें कैबेज है। कैबेज हमने दो तरह की रखी है, एक बहुत ही फाइनली चॉप्ड है जो कि हम आलू में डालेंगे, और ये एक रफली चॉप्ड है या आप कह सकते हैं थोड़ा लच्छेदार है, तो इसको हम अपने असेंबलिंग में यूज़ करेंगे। और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है बन, आप किसी तरह का ले सकते हैं, बर्गर बन भी और सादे बन भी, जो पाव आते हैं आप उससे भी बना सकते हैं, कुछ इस तरह का जो दिखता है उससे भी बना सकते हैं। कुछ वेजीज हमें असेंबलिंग के लिए टाइम भी चाहिए होगी, जो कि है प्याज, खीरा, और आप टमाटर भी ले सकते हैं, और आपके पास और भी कोई वेजीज हैं वो भी जो आप यूज़ करना चाहते हो, जो पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। हमारी फैमिली में किसी को टमाटर पसंद नहीं है तो मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। और हमें कुछ सूखे मसाले भी चाहिए रहेंगे। ये हमारा हर्ब्स, रेड चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, रेड चिली और वाइट सॉल्ट का मिक्स, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, मेयो और ग्रीन चिली सॉस, रेड सॉस, केचप और चीज़। सबसे पहले हम एक साफ बर्तन में अपने आलू को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मुझे थोड़े आलू कम लग रहे हैं तो इसमें एक दो आलू मैं और ग्रेट करूंगी। मैंने जो दो और आलू लिए हैं उसको ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम अपनी वेजीज ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कैप्सिकम ऐड करेंगे इसमें। इसमें सारी वेजीज ऐड कर देंगे, रेड बेल पेपर, येलो एंड रेड बेल पेपर, और साथ ही इसमें जो मैंने थोड़ा सा इसको कद्दूकस किया हुआ है कैबेज को, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, और एक क्विक मिक्स देंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे इसमें नमक मिर्च का पाउडर। आपके पास अगर मिक्स नहीं है, मेरा होममेड है, अगर मिक्स नहीं है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। एक चम्मच नमक मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और एक चम्मच ही मैं चाट मसाला पाउडर डालूंगी। इसके अलावा हम कोई भी मसाले इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स, और थोड़े से हर्ब्स। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो हम डालेंगे, दैट वाज कॉर्नफ्लोर। इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे जिससे कि अच्छी सी बाइंडिंग हो पाएगी पैटी की। मैंने इसमें अप्रॉक्स दो चम्मच या करीब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद अगर हमें कुछ भी नमक मिर्च कम लगे आप टेस्ट करके देख सकते हैं तो उसमें ऐड कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया था, इसके बाद मैंने टेस्ट करा तो उसमें नमक थोड़ा सा कम था, और थोड़ा सा हल्का सा हमारे वहाँ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर खाया जाता है मिर्च का, तो मैंने हल्का थोड़ा सा इसमें हाफ स्पून ब्लैक पेपर डाल दिया। हमारा पूरी मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी पैटी बना लेंगे। तो पैटी बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, अपनी हथेली पर रखेंगे, और एक पोर्शन लेके आपको जितनी बड़ी या छोटी या थिक बनानी है आप उस हिसाब से ले सकते हो, और इसको राउंड करते करते पैटी बनाएंगे। ये मेरी पैटी एकदम गोल बन गई है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए इस पर रख देंगे, और याद रखिए इस पर भी हल्का सा ऑयल लगा लीजिए ताकि जब हम पैटी उठाएं तो इसमें स्टिक ना हो।
रख लेते हैं और इसी तरह से हम अपनी सारी पैटी बना लेते हैं। चलिए एक और पैटी बना लें। सेम प्रोसेस, ऑयल को हाथ में लगाएंगे, एक पोर्शन उठाएंगे, गोल करेंगे और इसको सर्किल घुमाते घुमाते पैटी बनाएंगे। प्रोसेस करके इसको भी रख लेंगे। हम आपको कई तरह से पैटी बनाना दिखा रहे हैं। एक तो मैंने नॉर्मल बना लिया है पैटी। अब चलिए हम पनीर स्टफिंग, अगर आपके पास घर में पनीर पड़ा हुआ है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है, कुछ इस तरह से पनीर को ग्रेट कर लिया है और इसको हम ऐसे सेंटर में रखेंगे और इसको हम साइड से फिल कर बंद कर देंगे। मैंने इसको अंदर पूरा अंदर फोल्ड कर दिया है और अब हम इसको भी ऑयल लगा के चिकना करके अपना शेप दे देंगे इसको। ये हमारी पैटी एकदम रेडी है। अब इसको भी हम रख लेंगे यहाँ पे। चलिए अब हम आप इसको फ्राई करना सिखाते हैं। मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, आप नॉर्मल कोई भी पैन ले सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ऐसे, और धीरे से अपनी सारी टिक्की इसमें लगा देंगे। तो अपनी पहली टिक्की इसमें धीरे से सेंड कर लेंगे और ऐसे ही अपनी सारी टिक्की इसमें लगा देंगे। जैसे कि ऊपर से ही दिख रहा है, ये हमारी दो पनीर स्टफिंग वाली हैं और ये नॉर्मल टिक्की हैं। इसको हम मीडियम स्लो फ्लेम पे एक वन साइड गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे और इसको तब तक ना छुएं जब तक कि एक साइड बिल्कुल अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, नहीं तो आपकी टिक्की टूट जाएगी। मेरी एक साइड की देखिए हो गई थी, मैंने इसको टर्न कर लिया है, अब वो हम शूट करना भूल गए। और ये देखिए काफ़ी अच्छी सी ब्राउन क्रंची सी हो गई है। अब हम दूसरी साइड भी कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल मत करें, धीमी धीमी आंच में काफ़ी अच्छा क्रंच आता है। मेरी दूसरी साइड से भी अप्रॉक्स हो गई है। इसका टेस्ट करने का ये है कि हम धीरे से इसको उठाएं और ये उठने लगे, इस तरह से मूव करने लगे, तो समझ लीजिए हमारी दोनों साइड से हो गई है। देखिए हमारी सारी मूव करने लगी हैं। तो अब हम इसको टर्न करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, वाह भाई वाह, बिल्कुल अच्छी सी गोल्डन ब्राउन क्रंच हो गई है। इसको हम 2 मिनट ऐसे ही और कुक होने देंगे। तो सबसे पहले हम इसको असेंबलिंग में हम इसमें ग्रीन चिली सॉस लगाएंगे। तो हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे बहुत थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसमें रेड सॉस डालेंगे, केचप। इसको भी इसमें के साथ ही हम इसमें चीज़ स्प्रेड भी थोड़ा सा लगाएंगे। मेरे पास है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने अमूल का चीज़ स्प्रेड लिया हुआ है, वो भी इसमें अच्छे से लगा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लगाएं ना लगाएं, इट्स टोटली अपॉन योर चॉइस। असेंबलिंग आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसा चाहे वैसे असेंबली कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी पैटी इसमें अरेंज कर देंगे। ये हमारी पनीर पैटी है, इसमें हम मैंने पैटी अरेंज कर दी है। इसके बाद हम इसमें मेयो डालेंगे। आप जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं।
इसमें मैं कैबेज रख देती हूँ। आपकी चॉइस है, आप ऊपर रखना चाहें नीचे रखना चाहें। मैं तो भूल गई थी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैं इसको ऊपर ही अरेंज करे दे रही हूँ। आप इसको नीचे करिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें हम कुकम्बर ऐड कर देंगे। इसके ऊपर कुकम्बर प्याज मैंने डाल दी है, आप चाहे तो इस पर टमाटर भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और इसके बाद हम इसके ऊपर एरिया में भी मेयो लगाएंगे। हम मेयो और केचप को मिक्स करके अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरह से। और बर्गर की जान शान जो सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चों का फेवरेट चीज़। और अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो मैंने उसका भी एक ऑप्शन निकाला हुआ है। मैंने पनीर का एक थिन स्लाइस कर लिया है, इसको अच्छे से घी में सेक लिया है और उसको मैं इसके ऊपर ऐसे रख रही हूँ। फिर हम एक चीज़ स्लाइस लेंगे। अगर आपके पास चीज़ है तो आप डालिए, आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, आप स्लाइस भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे जो नॉर्मल बन है इसको हम चलिए बनाते हैं बर्गर बन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप बटर ले सकते हैं या आपके पास कुछ भी हो, ऑयल हो, कुछ भी हो वो आप लीजिए। पैन में डालिए, वाइट सेसमे डाल दीजिए। और वाइट सेसमे डालने के फौरन ही बाद इसको ऐसे रख के इसको ऐसे कर दीजिए, एक अच्छा सा शाइन और ग्लॉस भी आ जाएगा इसमें। और ये देखिए हमारा बर्गर बन रेडी हो जाएगा, होममेड बर्गर बन। और अब हम इसको इसके ऊपर असेंबल कर देंगे और वैसे ही हम सारे कर लेते हैं। तो लिए हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है। ये दो हमारे बर्गर पनीर स्टफिंग के हैं, ये पनीर लेयरिंग का है। नॉर्मल पैटी, पनीर लेयरिंग, दो तीन तरीके से है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बनाइए और हमें बताइए कि कैसा लगा, और हमारी हौसला अफजाई करिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।